आज के इजलास के बारे में बताएं क्या डिसाइड हुआ है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम व बिही नस्तईन। आज अल-महदुल अली अल-इस्लामी हैदराबाद में आलिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने इसकी सदारत की और पूरे मुल्क से आए हुए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की वर्किंग कमेटी के मेम्बरान इसमें शरीक हुए। इसमें मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मुख्तलिफ कमेटियों की कारकर्दगी का जायज़ा भी लिया गया और मुल्क मिल्लत के मसाइल पर गुफ्तगू भी हुई। आखिर में चंद तजावीज़ मंजूर की गई, उनमें से एक तजवीज़ इबादतगाहों से मुतालिक है। जो मसाजिद का मामला चल रहा है और जिस तरह मुख्तलिफ मसाजिद के सिलसिले में तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, उस सिलसिले में ये तय किया गया है कि हुकूमत वक्त को तवज्जो दिलाई जाए कि मसाजिद के सिलसिले में जो सूरत हाल बन रही है उस पर काबू पाया जाए, इबादतगाहों की हुरमत उसका तकद्दस बाकी रखा जाए। इस सिलसिले में लीगल कमेटी हमारी आगे काम कर रही है। इसी तरह फ़लस्तीन के सिलसिले में एक तजवीज़ मंजूर की गई। जो कुछ जुल्म सितम फ़लस्तीनी मुसलमानों पर किया जा रहा है और जिस तरह उनको निशाना बनाया गया है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के इस इजलास की जानिब से उसकी सख्त मजम्मत की गई और गासिब इसराइल की जो कोशिशें हैं और जिस तरह के मजालिम उठा रहा है, उस सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का ये इजलास हुकूमत को भी ये तवज्जो दिलाता है कि गांधी जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक जो पॉलिसी रही है मज़लूम के साथ देने की और जालिम की मजम्मत की, उसी को इख्तियार किया जाए। वहाँ के मुसलमानों ने जिस हिम्मत उल-अज़्मी और मकामात मुकद्दसा की दिफा के लिए जो कुछ कुर्बानियाँ पेश की हैं, उसकी तहसीन भी की गई। इसी तरह इंसानी बिरादरी ने जिस तरह मज़लूमों के हक़ में आवाज़ उठाई है, उसकी भी हम तहसीन करते हैं। आलमी इंसानी बिरादरी का शुक्रिया अदा करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक बहुत अहम काम इस्लाह मुआशरा यानी समाज सुधार का है। उस सिलसिले में भी ये तजवीज़ मंजूर की गई है कि इस काम को और तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ाया जाए और समाज सुधार की मुहिम में तेज़ी लाई जाए। उसके लिए मौलाना फजल रहीम मुजद्दीदी साहब को कन्वीनर बनाया गया है और मौलाना यासीन अली उस्मानी साहब और मोहम्मद उमरान महफूज रहमानी को जॉइंट कन्वीनर मुकर्रर किया गया है। तफीम शरीयत कमेटी और ख्वातीन विंग, इसी तरह दारुल क़ज़ा कमेटी, मुख्तलिफ कमेटियों के सिलसिले में गाइडलाइन बनाई गई है जिसे इंशाअल्लाह जल्द अज़ जल्द नाफिज किया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इज़्दिवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक निकाहनामा मुरत्तब किया है जो माहिरीन क़ानून उलमा और फ़क़हा के मशवरे से तैयार किया गया है। आज के इस इजलास में ये तजवीज़ मंजूर की गई है कि उस निकाहनामे को आम किया जाए और तमाम निकाह पढ़ाने वाले हजरात कुज़ात उनसे दरख्वास्त की जाए कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस निकाहनामे को आम करें और उसी के ज़रिए निकाह पढ़ाया करें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसे बड़ी तादाद में शाये करके लोगों तक पहुँचाएगा। मुसलमानों से भी गुजारिश है, अइमा उलमा निकाह खां काजी हजरात से भी गुजारिश है कि वह इस सिलसिले में पूरी तवज्जो दें। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इबादतगाहों के मसाइल पर भी गौर व फिक्र किया है और लीगल कमेटी को इसके सिलसिले में हिदायत दी गई। औकाफ़ के सिलसिले में भी गौर व खोज किया गया। वक्फ़ के सिलसिले में कमेटी बनी हुई है और औकाफ़ के सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी तरह फिक्रमंद है, उस पर भी इंशाअल्लाह जल्द कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो इबादतगाहों के सिलसिले में कानून बना हुआ है उस पर भी गौर व खोज किया गया है और इंशाअल्लाह उस सिलसिले में भी लीगल टीम हमारी कुछ काम आगे बढ़ाएगी।